नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज मार्च का लास्ट संडे अपडेट है और आज का वीडियो शुरू करते हैं खूबसूरत से मंडीविला फ्लावर के साथ। यहाँ पर देखिए मेरे व्हाइट वाले मंडीविला में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और यहाँ पिंक वाला मंडीविला में भी दो ब्लूमिंग हुई है, और यहाँ पर जो रेड है ये फिर से थोड़ी सी इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। और यही बात है कि ये वाला मंडेविला जो है रेड वाला, इसको मैं जितनी बार भी लगाती हूँ ये ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितनी बार भी लगाती हूँ ये ख़राब हो जाते हैं। दो बार हो गया, ख़राब हो गए, और ये तीसरी बार है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिटूनिया, ये जो बेबी सनरोज़ है, बेबी सनरोज़ के प्लांट में ये उठा उगा हुआ है, खुद खुद ब खुद उगा हुआ है। और ये वाले प्लांट भी मेरे गार्डन में अपने आप ही उगते रहते हैं। और यहाँ पर कुछ जेट प्लांट्स हैं मेरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ भी बोनसाई बना रही हूँ, टोपियारी बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जाफरी मेरीगोल्ड, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे टोकरी में लगा रखी है मैंने, और बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर डाइफन बेकिया, यहाँ देखिए दोस्तों फिटूनिया, फिटूनिया भी बहुत प्यारे प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, इनको थोड़ा छुपा कर रखना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर मार्बल क्वीन, मनी प्लांट, और यहाँ पर पान की प्लांट है। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ से ये सारे गुलाब हैं जिनकी मैंने रिपोर्टिंग की है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ न्यू ग्रोथ, शायद नहीं ये वाला नहीं, इसमें न्यू ग्रोथ आए हुए हैं, और इसमें भी। और यहाँ पर देखिए गार्डनिया, गार्डनिया में भी अभी देखिए कितनी बढ़िया से ग्रोथ आ रही है। इनमें तो बर्ड्स भी आ गए हैं, और इनमें एक बार मैंने मल्टी विटामिन, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अप्लाई की है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला प्लांट शायद नहीं बचेगा, बस यही एक स्टेम था, ये भी शायद डाईबैक हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अपराजिता, एक अपने आप ही अपराजिता उगते रहते हैं। और ये वाला देखिए, ये सारे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे कॉस्मोस के प्लांट्स हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला गुलाब को देखिए, ये इसमें भी बढ़िया से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, ये मेरे नए वाले रोज़ प्लांट हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया में बढ़िया से फ्लावरिंग होने के बाद दोस्तों, मैं सोच रही थी इनको कट करूं, पर देखिए बहुत सारे न्यू ग्रोथ मुझे नज़र आ रहे हैं, तो अभी मैं इनको काटने की सोच रही हूँ, कट करने की सोच रही थी, पर नहीं कर सकती क्योंकि देखिए बिल्कुल न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है, मतलब न्यू न्यू फ्लावर बंचेस में आएंगे फिर, तो मैं इसको अभी रहने दूंगी। ये वाले फ्लावर को कट करूंगी, ये वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इनको मैं कट कर दूंगी थोड़े से नीचे से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, और इनकी इसको मैंने रिपोर्टिंग किया था और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो ये वाला देखिए बोगनवेलिया, इनमें भी बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर ये हारशिंगार, हारशिंगार में भी देखिए, ये देखिए आज दो फूल खिले हैं, ये देखिए। और यहाँ पर कनेर, ये देखिए कनेर में तो कलियाँ नहीं हैं, और मैं इसकी थोड़ी सी पिंचिंग भी मैंने की थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाले प्लांट की तो मैं पिंचिंग करती रहती हूँ क्योंकि ये देखिए 10 इंच का पॉट में लगा हुआ है, और बहुत बड़ा होने पर फिर प्लांट्स लुढ़कते रहते हैं। ये सारे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी अगर हवा आती है तो लुढ़कते रहते हैं, तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको इसलिए कट करते रहना है। और ये देखिए, ये जो पिटूनिया है, पिटूनिया के देखिए बीज बन गए हैं, ये देखिए ये देसी वाले पिटूनिया हैं, और एक ही बीज से ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने सारे बीज हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने सारे बीज हैं, तो ये गिरते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें प्लांट्स भी बनते रहते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा प्लांट्स बने हुए हैं और हर पॉट में हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे इस बार गुलाब ख़राब हो गए,
इस बार तो गुलाब के प्लांटर में अगर उगेंगे तो मैं इनको हटा ही दूंगी। ये देखिए, ये वाला एक प्लांट है पिटूनिया की, ये हाइब्रिड वाला है, और ये पता नहीं कहाँ कौन सी प्लांटर में है, ये वाले प्लांटर में है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टिकोमा, टिकोमा में भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होने के बाद देखिए बीज भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा मुझे इनके ऊपर काम करना है। वही बात है कि थोड़े से कम समय मुझे मिलता है ये काम करने के लिए। और ये देखिए, ये कार्निशन, कार्निशन में भी फ्लावरिंग हो चुकी है। इसको मैंने बीज के लिए छोड़ा हुआ है, ये वाले कलर की मैंने बीज कलेक्ट नहीं किया है। और ये वाइट वाले की मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर ली थी तो मैंने कट कर दिया था। और यहाँ पर देखिए, ये है अपराजिता, ये देखिए बहुत सारे उगे हुए हैं और छोटा सा प्लांट है। ये देखिए आज 6 फूल इनमें आए हैं। ये देखिए, इनको मैं हर बार तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोरीचोरी, गोरीचोरी में कितनी बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए, ये है ब्लीडिंग हार्ट। और यहाँ पर रेन लिली, रेन लिली भी खिले थे, ये देखिए 1, 2, 3 कल खिले थे। और आज भी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो रही है, थोड़े से अभी छोटे छोटे बूंदाबांदी हो रही है। और क्लाउड देखिए कितना है, अभी हेजी वेदर है और शायद थोड़ी सी आज बारिश हो सकती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कितने सारे फूल कलेक्ट किए हैं और नीचे वाले गार्डन से। ये देखिए, ये डबल चांदनी के प्लांट फूल हैं और यहाँ पर ये सिंगल पेटल वाला, पर बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, इनमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर्सलीन है, कुछ परचुला का भी है, यहाँ पर कॉस्मोस है, यहाँ पर देखिए क्रैनबेरी हिबिस्कस, और यहाँ पर देखिए थोड़े से लाल साग, ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इनको भी निकालना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये प्लांटर में कितने सारे कॉस्मोस उगे हुए हैं, इनको मैंने नहीं लगाया। इनमें मैंने थोड़ी सी एडेनियम की बीज डाल दी थी, एडेनियम की एक फली टूट गई थी तो मैंने इनमें डाल दी थी, पर एडेनियम की तो पता नहीं है। पर ये देखिए कितनी अच्छी हेल्थ में ये कॉस्मोस उगे हुए हैं। ये वाले देखिए जिनिया, जिनिया के लिए मैंने ये बीज छोड़ रखी है और आज मैं इनको हटा दूंगी क्योंकि बारिश होने वाली है, शायद अभी थोड़े थोड़े गिरने भी लगे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, येलो लंटाना, ये देखिए मैंने इनको थोड़ा सा हटा कर रखा है। यहाँ पर ये मजंटा कलर का लंटाना थोड़े से हटा हटा कर रखी है मैंने आज। और यहाँ पर देखिए कॉस्मोस, ये कॉस्मोस तो ख़राब हो रहे हैं, इनको मैं हटा दूंगी। और हर प्लांटर में कॉस्मोस प्लांट तैयार भी हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, यहाँ पर अनार का प्लांट, और यहाँ देखिए दोस्तों मधुमालती, मधुमालती में देखिए फिर से फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं और इन पर भी मुझे काम करना है। इनको भी थोड़ी सी खाद पानी देनी है ताकि ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बेलनुमा प्लांट है तो देखिए कितने लंबा ये चला जा रहा है, पर कहाँ जाएगा पता नहीं। और मैं सोच रही हूँ ऊपर से थोड़ी सी कट कर दूँ ताकि ये और लंबा ना उठे। और यहाँ पर रेड वाला लंटना, ये देखिए, और ये अपराजिता का देखिए प्लांट, थोड़ी सी दूर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको पता लग रहा चल रहा होगा या नहीं। ये देखिए एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है, पॉली बैग मतलब 5 केजी का जो आटे का पैकेट होता है वो इसी में लगा है। और कितनी ज़्यादा इनमें ब्लूमिंग होती है आप देख सकते हैं, ये व्हाइट वाले अपराजिता में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो टोपियर है इसमें भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है अभी। और ये देखिए चंपा के ऊपर ये जा रहा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये रेड कलर का चंपा, और यहाँ पर ये थलपदा लैंड लोटस, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये टोरनिया। चंपा के प्लांटर में कितनी ज़्यादा टोरनिया है और कितनी हेल्दी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चंपा है, इसमें भी अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये वाला चंपा प्लांट बहुत ज़्यादा, इनमें ब्रांचेस भी आ जाते हैं और ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। और यहाँ पर एक परचुला का, ये देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। और यहाँ पर भी कुछ कटिंग्स मैंने लगा रखी है, ये मेरी सिस्टर मेरे लिए लेके आई थी, मैं गई थी भुवनेश्वर तो वहाँ से लेके आई हूँ। और यहाँ पर देखिए टोरिनिया के प्लांट्स सारे अपने आप ही उगे हुए हैं, कुछ प्लांटर्स अभी खाली भी हो रहे हैं तो उन पर भी मुझे लगाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जाफरी गेंदा, इनमें 4 प्लांट को मैंने ऐसे ही एक ही मुट्ठी कर कर लगा ली थी। और ये में भी देखिए टोरिनिया, ये देखिए इतनी ज़्यादा टोरिनिया होते हैं ना, मुझे इस तरह से निकाल कर फेंकना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए वेरिएटेड रियो, और यहाँ पर ये मदर प्लांट है, इसी को मैंने
हटाकर यहाँ ये वाला प्लांटर तैयार किया है, और ये ट्रेंगल हार्ट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे जो हैं ये सिंगोनियम के प्लांट्स हैं। और यहाँ पर चांदनी का प्लांट है, ये देखिए नॉर्मल वाले चांदनी है। और यहाँ पर एक फिलोडेंड्रन की कटिंग लगाई थी, ये देखिए ये भी चल गई है। और ये एंजॉय पोथो से एक कटिंग, और यहाँ पर देखिए और एक कटिंग है फिलोडेंड्रन की। और उसमें देखिए टोरनिया कितनी हेल्दी है कि फिलोडेंड्रन ही दिखे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कटिंग्स चल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये भी सारे कटिंग्स लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर अम्ब्रेला पाम है, और इस तरफ देखिए दोस्तों ये गोम्फेरना, गोम्फेरना में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और अभी देखिए हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है बालसम, ये देखिए ये सारे अपने आप ही उगे हैं, मैंने किसी को भी नहीं लगाया है। और ये देखिए अभी सीड्स भी बन रहे हैं, यही सीड से फटकर ये देखिए, ये देखिए अपने आप ही फट जाते हैं। और फटने के बाद यहाँ पर कितने सारे सीडलिंग्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे सीडलिंग्स अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर टोरिनिया, टोरिनिया को कुछ मैंने लगाया था यहाँ पर पॉट्स में, ये देखिए ये एक नया वाला कलर तैयार हुआ है, ये वाला कलर मेरे पास नहीं था, ये अपने आप ही तैयार हुआ है। और सेल्फ सीडलिंग का यही फ़ायदा है, थोड़ा सा अपने आप कुछ कलर्स निकल के आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है मोगरा का प्लांट, ये देखिए बहुत बढ़िया मोगरा भी खिलते रहते हैं अभी। और इस साल इतनी हेल्दी नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लांटर में बहुत ज़्यादा टोरनिया के प्लांट्स थे, तो मैंने अभी हटाया है। और इन पर थोड़ी सी खाद की अप्लाई करूँगी तो इनमें भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। और इमिडाक्लोरोपीड की स्प्रे अभी करना ज़रूरी है, ये देखिए कुछ कीड़े से लग रहे हैं मुझे, और ये जो कलियाँ हैं अच्छी तरह से खिल नहीं रहे हैं, ये देखिए इनमें कीड़े लग रहे हैं थोड़े से। और यहाँ पर कुंदा, कुंदा के प्लांट को आप देख सकते हैं, थोड़ी सी दूर से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये प्लांट कितना बुसी हो गया है और कितना घना हो गया है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू न्यू ब्रांचेस आ रही हैं। यहाँ पर देखिए कनेर, कनेर की मेरे पास ये चार प्लांट तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जेट्रोफा, जेट्रोफा में भी बहुत बढ़िया से अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, ये देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं ये फूल, छोटे छोटे से फूल होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये अभी गर्मी के सीज़न में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करेगी। और बस इस तरह से इसको, ये जो स्पेन फ्लावर है इनको हटाना है, ये थोड़ी सी टूट गई थी तो मैंने इनको निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पोइनसेटिया, पोइनसेटिया की कलर अभी डार्क होने चली है, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी। और अभी रेनी सीजन में इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला एक चांदनी है, ये भी बहुत बढ़िया फ्लावर होता है, बहुत मोटी सी पेटल होती है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है डबल पेटल का चांदनी है, ये नीचे वाले जो प्लांट हैं वो बड़ा है, ये छोटा वाला प्लांट है, और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो गई है। और इस प्लांटर में भी आपको टोरनिया नज़र आएगी, ये देखिए एक दो प्लांट को छोड़कर मैं सारी निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत फिर अनहेल्दी हो जाते हैं प्लांट्स। और यहाँ पर ये मल्टीपेटल वाला चांदनी, इसमें भी अभी कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, पहले ही आई थी कलियाँ और मैंने कट कर दिया, तो उसके बाद ये फिर से इसका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है, ये देखिए एडेनियम, एडेनियम की फिर से बहुत अभी सीड पॉट्स बन रहे हैं। और ये वाले प्लांट को भी देखिए, और ये वाले प्लांट में बहुत बढ़िया, ये इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है, ये दोनों प्लांट की बहुत, यहाँ पर भी एक सीड पॉट बना हुआ है, और ये वाले प्लांट में भी अभी एक सीड पॉट तैयार हो रहा है, ये देखिए। और सीड पॉट बनने से जो सीड से जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके थोड़े से कलर वेरिएशन अलग आ सकते हैं जो पॉलिनेशन के थ्रू, तो उसको लगाना चाहिए। यहाँ पर भी एक सीड पॉट है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दो आ रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ लगाने की पर मुझसे तो नहीं हो रहे हैं अभी तक, एक भी फ्लावर नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रजनीगंधा, इनमें भी एक स्टिक आ गया है, और इन पर मुझे काम करना है, इनको थोड़ा सा निकाल कर इसकी मिट्टी को बदलना था मुझे। और ये वाले प्लांटर की तो मैं कर दूंगी, पर ये वाले देखिए अभी तो इनमें आ गई हैं, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। और इनकी थोड़ी सी मिट्टी को हटाना ज़रूरी है क्योंकि इनमें खाद देने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि इनमें बल्ब्स तैयार हो गए हैं ज़्यादा, और दो दो बल्ब्स थे इनमें, तो अभी बहुत सारे बल्ब्स तैयार हो गए हैं। ये वाले प्लांटर में भी देखिए ये न्यू ग्रोथ आ गई है, मैंने इनकी कटिंग करती थी। और यहाँ तो एक रजनीगंधा खिला भी है, और ये देखिए ये है एक्सोरा, एक्सोरा में भी बहुत बढ़िया से अभी फ्लावरिंग हो रही है, और ये येलो कलर का है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्सोरा, तो ये ऑरेंज कलर का है, ये खिल चुका है, तो ये टॉल वेराइटी की, टॉल वेराइटी तो नहीं कह सकते,
टॉल वेराइटी के लीव्स थोड़े लंबे लंबे होते हैं इस तरह से, ये वाले टॉल वेराइटी है ये। और पर ये भी थोड़ा सा बड़ा ही होता है प्लांट, और देखिए कितने ज़्यादा इनमें स्पेंट हो गए हैं फ्लावर, तो इनको कटाई करना ज़रूरी है। और थोड़ी सी ये वाला ब्रांच को मैंने कट कर दिया था, तो यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा न्यू ब्रांचेस आ गई हैं। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे यहाँ अभी चल रहा है, और 38 से 44 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। तो इतनी गर्मी में प्लांट्स को सर्वाइव करके रखना बहुत मुश्किल का काम होता है, और वो भी खुली छत में। तो दिन में 3 बार पानी देना पड़ता है, और थोड़ी सी इनमें सारिंग भी करनी पड़ती है, और ऊपर से मेरा स्कूल का जॉब, तो इसलिए थोड़े से ये प्लांट भी अभी जितनी देखभाल की ज़रूरत होती है मुझे लगता है मैं उतनी नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मुझे 2-3 घंटे तो शाम को लग ही जाते हैं, और सुबह को भी 1 घंटा, फिर भी इनके लिए ये टाइम कम ही होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर सारे मेरे विंका लगे हुए हैं। ये वाले पॉट में इधर उधर के प्लांट्स लगे हुए हैं, इनमें मैंने पहले तो धनिया लगाया था, और धनिया के बाद ये सारे प्लांट्स अपने आप उगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए गोमफेरना लगे हैं, और टॉलिनिया उगे हुए हैं, सदाबहार भी कुछ उगे हुए हैं, तुलसी भी उगा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्लांट ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो इनको हटा हटा कर फिर अलग करके लगाना बहुत टफ टास्क हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे विंका हैं, ये वाइट वाले विंका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाइट वाले विंका को मैं कभी भी नहीं लगाती, ये अपने आप ही उगते रहते हैं। ये देसी वैरायटी के हैं, देखिए देसी वैरायटी में ये जो लीप्स होते हैं ना, ये थोड़े से गोलाई का आकार होता है इसका, और जो हाइब्रिड होते हैं उनका थोड़ा सा लंबा लंबा आकार होता है। इसी से हम जानते हैं कि ये हाइब्रिड है और ये देसी है। और इस तरह से देखिए दोस्तों, बहुत सारे ये बढ़िया कलर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर है, और अपने आप ही उगे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोरेनिया एक ही पैकेट में कितने ज़्यादा टोरेनिया उगे हुए हैं, और सेल्फ सीडलिंग मैंने इनको अलग नहीं किया है। और देखिए कलर, देखिए यहाँ पर एक कलर है, ये एक कलर है, और यहाँ पर ये एक कलर है, तो 3 कलर हैं इनमें, और यहाँ पर भी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जरबेरा का प्लांट है, और यहाँ पर ये वाला जरबेरा की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, और रिपोर्टिंग का वीडियो कल पब्लिश हो जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अपना साथ बनाए रखिएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा सीडलिंग हुई है, और इतनी ज़्यादा प्लांट्स बने हुए हैं, तो इनको भी हटाकर अभी लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये देखिए पर्सलिन भी अपने आप ही उग जाते हैं, ये येलो वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, और ये गेंदे का प्लांट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़े से गेंदे के प्लांट को लगाए हैं मैंने। और यहाँ पर ये सारे जरबेरा, ये देखिए येलो वाले में अभी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है देसी गुड़हल, इसकी तो थोड़ी सी मिट्टी को हटाना है मुझे, और इसकी रूट बाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए इनमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। ये देखिए कलियाँ आ रही हैं, और कलियाँ गिर भी रही हैं, तो इनको मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग तो कर दी थी, पर इसको निकाल कर बिल्कुल इसकी रूट प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये वाले प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो इनमें भी बहुत बढ़िया से ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला पर्सलिन देखिए, बहुत खूबसूरत कलर है, और बहुत बड़ा भी होता है ये फूल, ये थोड़ा सा, ये देखिए बहुत बड़ा फूल होता है इसका। और ये देखिए, ये एक गुड़हल है, और बहुत खूबसूरत गुड़हल है ये कलर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पेंटास की देखिए कितनी ज़्यादा प्लांट्स बन गए हैं, और ये देखिए कितनी ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं, और बहुत बढ़िया से ये चल भी रहे हैं। और ये पीछे वाले जो है मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं, ये आगे वाले देखिए, ये जो आटे के पैकेट्स हैं उन्हीं में लगा रखी है मैंने, ये देखिए। और अभी इनको पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं, इसलिए हमें पानी पहले से ही दे देना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट्स सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनमें फ्लावर की वाटर की ज़रूरत होती है अभी। और ये वाले देखिए, फ्लावर अभी तक खिला नहीं है, ये वाला बहुत खूबसूरत फ्लावर है। यहाँ पर देखिए, ये वाले दो फ्लावर खुले हैं आज, और थोड़े से धूप होने पर ही ये खिलते हैं। और ये वाला पिंटास आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ये वाइट पिंक मिलाकर कुछ कलर है, तो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर ये बेबी पिंक का है, और यहाँ पर गजानिया अभी तक खिले नहीं हैं, और यहाँ पर ये डेहलिया अभी भी खिल रहे हैं, थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे हो गए हैं। ये वाले प्लांट देखिए, ये वाले प्लांट की मैंने कटाई की थी, और ये देखिए इसकी भी ग्रोथ आ गई है। और ये सारे जो अभी, ये देखिए कलंचू अभी ख़राब हो रहे हैं, कुछ प्लांट्स की मैंने तो सेव कर ली है, और ये वाले सारे प्लांट्स की मैंने मुझे काम करने हैं थोड़े, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं इसलिए। ये देखिए,
ये डेहलिया डेहलिया की मैंने प्रूनिंग कर दी थी। पीछे आप देख रहे हैं ये क्रोटन्स हैं, क्रोटन की भी थोड़ी सी काम करना है अभी। और दो प्लांट को तो मैंने कल कट भी कर दिया, ये वाला प्लांट को कट किया है और यहाँ पर एक प्लांट को भी कट कर दिया है, और बहुत ज़्यादा। और इनमें देखिए ये वाला प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़े से इनमें मिली बग भी अटैक हो रहे हैं तो मैंने इनको हटाए हैं पानी से। और ये वाला देखिए बहुत बढ़िया क्रोटन है, यहाँ पर बड़े लिया और यहाँ पर भी क्रोटन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट में भी बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है, नन्हा नन्हा फ्लावर होते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं बेबी पिंक कलर का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है पिटूनिया, ये अपने आप ही उगे हुए हैं, और इसी पैकेट में एक ही बचा था तो मैंने इसको रहने दिया और बाकी को हटा दिया, और देसी पिटूनिया हुए थे। और उसी तरह से ये वाला भी पिटूनिया है, ये देखिए ये अपने आप ही उगा हुआ है, और इसकी देखिए रूट कहाँ पर है, मैंने इनको नहीं लगाया, बाकी सारे को हटा दिया, बस इसको ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि इस बार पिटूनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा धूप भी आ गई है, इनको हटाऊंगी तो थोड़े से ये स्ट्रेस में आ सकते हैं, तो मैंने इनको हटाया नहीं है, इस तरह से ही रहने दिया है, जहाँ है वहीं पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एलमंडा, एलमंडा में भी देखिए ये प्लांट भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो इन पर भी मुझे थोड़ा से काम करने हैं। और यहाँ पर देखिए एलमंडा एक फूल खिला है, मतलब आज ये खिलेगा, ये देखिए ये वाला फ्लावर, ये तो लंबा ही हो जाता है। और एक एलमंडा, ये पिंक वाला एलमंडा था, और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी ऊपर से, तो मैंने बिल्कुल नीचे से ही कट कर दिया जो बारिश हुआ था, तो ये देखिए आप कितनी बढ़िया से इसकी ग्रोथ आ गई है और ब्रांचेस भी आ गए हैं, तो अभी उम्मीद है कि इनमें फ्लावरिंग हो। और ये देखिए ये जो सारे क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं इनमें कितने ज़्यादा मिली बग्स लगने शुरू हो गए हैं, तो इन पर थोड़े से मुझे काम करने हैं। और यहाँ पर सारे कलांचू के प्लांट्स हैं, और ये देखिए बहुत सारे कलांचू के प्लांट्स हैं, और यहाँ पर भी ये एक एलमंडा है, और कुछ कलंचू की भी तो मैंने कटिंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पर्सलिन, पर्सलिन कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, अभी धूप नहीं आई है तो इसलिए फूल नहीं खिले हैं। और यहाँ पर देखिए निमोलिया में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है मेरे फर्स्ट लव का प्लांट, ये देखिए बहुत ज़्यादा इनमें ब्लूमिंग हुई थी तो मैंने इनको ऊपर से कट किया है, और यहाँ देखिए ये थोड़े से फूल ही अभी खिले हैं, और ये खिलने के बाद मैं नीचे से इसको कट करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है, हाइट हो गया है। और ये रेड कलर का फर्स्ट लव है, और यहाँ पर देखिए बेबी सनरोज, बेबी सनरोज बहुत ज़्यादा इनमें ग्रोथ हो गई है तो इनको भी मुझे हटाना है, काम करना है इन पर, और इनको थोड़े से कट करेंगे तो ये ग्रोथ अच्छी होगी। और इनमें भी मिलीबग का अटैक होता है दोस्तों, ये देखिए ये मिलीबग का अटैक होता है, तो इनको भी अभी हटाना है। अभी इसकी आप बास्केट भी बना सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं बास्केट्स। तो दोस्तों यही था आज का संडे अपडेट का वीडियो, वीडियो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा देखने के लिए, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।